हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको राग पहाड़ी की 7-8 ताने बता रहा हूँ और ये हमारी 8 मात्रा की ताने होंगी। तानों का रियाज हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तानों के रियाज से ही आपको सुर की समझ होती है, गले में स्पीड आती है, गले में मुर्कियां आती हैं, ताल की समझ होती है और ताल का मीटर बनता है। दो चीजों की जो सबसे ज्यादा फायदा होती है तान से वो होती है, एक तो आपके गले में बहुत अच्छी मुर्कियां आने लगती हैं। मुर्कियों का मतलब है हमारा गला हमारा हिलने लगता है। हम कोई भी गाना गाते हैं तो उसमें अपने जहां मर्जी हो वहां उस गले को हिला पाते हैं। दूसरी चीज है कि ताल का मीटर बनता है, 8 मात्रा का मीटर, 16 मात्रा का मीटर। अभी मैं आपको 8 मात्रा की ताने बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 16 मात्रा की भी बताऊंगा, ठीक है? तो 8 मात्रा की तानों को किस तरह आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह आप तैयार करेंगे, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये मैंने स्केल लिया है शीशा और एक एक करके मैं आपको जो जो तान बताऊंगा वो आपके स्क्रीन पे लिख करके आती रहेगी, तो उसको देख करके आप अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं और साथ साथ में उसको गा सकते हैं, ठीक है? और तानों का रियाज मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, तानों का रियाज करें खूब। तानों के रियाज से आपकी स्पीड बढ़ेगी और गला अच्छा होगा और ताल अच्छी होगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राग पहाड़ी का आरोह अवरोह मैं आपको बता देता हूँ। सा रे ग प ध सा, सा रे ग प म ग रे सा, ये हमारा औरो संपूर्ण जाति का राग है। इसके आरोह में 5 सुर लगेंगे और अवरोह में 7 सुर लगेंगे, यानी ये बिलावल और भोपाली दोनों को मिलकर के बनता है। आरोह में भी बिलावल और इसके भोपाली के स्वर हैं सा रे ग प ध सा और अवरोह में बिलावल के सा रे ग प म ग रे सा। तो हमें आरोह में जो है मा और धा आरोह में, सॉरी मा और नी आरोह में यूज नहीं करना है, अवरोह में यूज करना है। सा रे ग प ध सा, सा रे ग प म ग रे सा, ठीक है? तो ये हमारा आरोह अवरोह है। बहुत बाकी जो डिटेल्स है वो मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने राग पहाड़ी के बारे में पूरा डिटेल्स, उसका आलाप पकड़ ये सब बताया हुआ है। इसमें हम सिर्फ आरोह अवरोह से सीधे तानों को शुरू करते हैं, ठीक है? नहीं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हमारी तान क्या होगी, सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा, सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा, सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा। एक एक तान को आपको देखिए भाई बहुत ही स्लो में पहले प्रैक्टिस करना है, जब तक पूरी तान अच्छे से आपको याद नहीं हो जाती तब तक हम तान में स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, और जब याद हो जाए फिर उसमें बहुत स्पीड बढ़ाएंगे। और एक बार सरगम करेंगे, उसको करने की विधि क्या है, एक बार सरगम करेंगे फिर एक बार हारमोनियम बजाएंगे, फिर एक बार आकार करेंगे फिर एक बार हारमोनियम बजाएंगे, कैसे? देखिए गला कितना बढ़िया हिल रहा है, इस तरह जब गला हिलता है तो हमारे गले में मुर्कियां बनती हैं। सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा, सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा। फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, सा रे ग रे ग प नी प नी ध प म ग रे सा, आ, 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 आ,
सारे गारे गा बनी बनी गबा मगर सा फिर आप उसमें जितना अपना जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाए वैसे वैसे स्पीड बढ़ाना है। तान की स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। तान की तान में मुर्गियां अच्छी जब भी बनती है जब स्पीड बढ़ती है। सोलो सोलो में आप करते रहेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। सरे गरे बनी बनी दबा मगर सा 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 इस तरह तैयार करना है। ये हमारी थी पहली तान। दूसरी तान हमारी क्या होगी? दूसरी तान हमारी सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सा। अभी देखिए इसमें आरोह में जो पांच स्वर हमें उनको ध्यान में रख करके ही तानों को प्रैक्टिस करना होता है क्योंकि आरोह में हम पांच ही स्वर लेंगे। सारे गरे गनी प सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सा। ये हमारी दूसरी तान है। सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सा। बाद में धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ाएंगे। कैसे? सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सा 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 सारे सानी सारे गरे सा सारे सानी सारे गरे गनी पगरे 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 सा। जितनी आप उसमें स्पीड बढ़ा सके। और सिस्टम हमारा वही रहेगा कि इसमें भी हम एक बार सरगम गाएंगे फिर एक बार आकार गाएंगे। सारे सानी सारे गरे गनी पगरे सा। ये थी हमारी दूसरी तान। तीसरी तान हमारी क्या होगी? तीसरी तान हमारी होगी गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा। हमारे बजाने का बार बार मैं बता रहा हूँ विधि वही रहेगी जो हमने पहले तान में बताई है। बस इसमें हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी तानों को बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि उतना लेंगे तो आप बोर भी होंगे और वो सब चीजें लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहली तान में मैं सिस्टम तो बता ही चुका हूँ। गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा स्पीड बढ़ाते हैं। गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा। फिर उसमें आप स्पीड बढ़ाते जाइए जितना आपको स्पीड बढ़ानी है। गरे सा धा सारे सानी सारे मा गरे सानी सा। ये हमारी तीसरी तान थी। चौथी तान हमारी क्या होगी? चौथी तान हमारी ग प ध प नि ध प म सा न ध प म ग रे सा ग प ध प नि ध प म सा न ध प म ग रे सा ग प ध प नि ध प म सा न ध प म ग रे सा। गब
मरे बनी धबा मसानी धबा मगरे जा गपद 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 बनी धबा मसानी धबा मगरे जा। इस तरह हम अपनी चौथी तान को भी तैयार करेंगे। हर तान को आपको स्पीड बढ़ाना है, एक एक तान को आपको रियाज करना है और एक एक तान का स्पीड बढ़ाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। जितना आपका स्पीड बढ़ेगा उतनी ही अच्छा, उतना अच्छा गला बनेगा, उतनी अच्छी मुर्गी आएंगी गले से। पांचवी तान क्या होगी हमारी? गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा गगरे सा पा पा मा ग दा दा पा मा गरे सा। ये हमारी है पांचवी तान। छठी तान हमारी क्या होगी? छठी तान ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा। अच्छा, इनसे सुर की बहुत अच्छी समझ होती है। जैसे देखिए, ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग। अब ध रे ध ग, ध के बाद रे में कितना गैप है, फिर ग में कितना गैप है, तो ये गैप हमारा क्लियर होता है तानों से और इसीलिए हम गानों को जल्दी पकड़ पाते हैं। ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा ग प ध प ग रे सा ध ध रे ध ग रे सा नी सा। ये थी हमारी छठी तान। सातवीं तान हमारी क्या होगी? सातवीं तान ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा। नीचे तक हम इसलिए आए, पहाड़ी में जो है मंद्र में थोड़ा रियाज ज्यादा किया जाता है, ठीक है? तो मंद्र की में तान ले लेंगे तो हमारा नीचे का भी रियाज हो जाएगा। ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा। ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा ग रे सा ध प ध सा ग प ध प ग रे सा। उंगलियों की स्पीड भी बढ़ती है, गले में भी स्पीड बढ़ती है, बहुत सारी चीजों का फायदा होता है तान करने से, इसलिए तान का रियाज सबसे ज्यादा हमें करना चाहिए। ये थी हमारी सातवीं तान। आठवीं तान क्या होगी? और ये ताने मैंने इस तरह की बनाई हैं ताकि आपको सुरों के बीच की गैप जो है उनकी दूरी भी पता चले और थोड़ा फिंगरिंग भी हमारी जो है वो अच्छे से चलना आ जाए उसको। सिंपल सिंपल मान लो हम ताने बना लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल, फिर उनसे उनको हम बजाते तो हैं लेकिन उनसे हमें को अच्छा फायदा नहीं हो पाता। तान थोड़ी कठिन होनी चाहिए, उसको बजाने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन उससे फायदा ज्यादा होता है। जितनी अच्छी सुरों की गैपिंग आपको समझ में आएगी, एक दूसरे की दूरी समझ में आएगी, उतना ही बढ़िया जल्दी हम गाने को पकड़ पाते हैं। आठवीं तान पापा मा गा दा दा पा मा गा पा नी पा गा रे सा पापा मा गा दा दा पा मा गा पा नी पा गा रे सा पापा मा गा दा दा पा मा गा पा नी
पनी बगरे सा बाबा मगा दादा बाबा मगा बनी बगरे सा बाबा मगा दादा बाबा मगा बनी बगरे सा इस तरह हमारी आठों ताने तैयार होंगी। ये हमारी राग पहाड़ी की ताने हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये राग है। इसका इसका मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आरोह अवरोह पकड़ इसका वादी स्वर संवादी स्वर न्यास के स्वर ये सब कुछ बताया, उसमें इसका आलाप कैसे करेंगे वो भी बताया है। तो उस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो आपको ऐसे नहीं मिलता है तो पहले उस वीडियो को देखें और उसमें कैसे आरोह अवरोह पकड़ करना है, विस्तार करना है, उसके बाद ये ताने करनी है। बंदिश को भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, बंदिश को भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके निकाल के बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी राग पहाड़ी की ताने थी। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और खूब स्पीड बढ़ाइए। अभी तो ये बिना ताल की बताई हैं, उसके बाद ताल के साथ में भी ये गाना है तीन ताल को लगा करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे सीख सकते हैं। तो मिलते हैं, नमस्कार।